कल ईद का त्यौहार है और त्यौहार में बना जाते हैं गुलगुले। तो गुलगुले खाना सभी को पसंद होता है। गुलगुले एकदम परफेक्ट तरीके से गोल सॉफ्ट स्पंजी कैसे बनाते हैं, बस वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमने 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ 2 किस्म के आते हैं, एक काला वाला और एक पीला वाला। तो यहाँ पर मैंने काला वाला यूज़ किया है। आपको जो इजीली मिल जाएगा गुड़ आप वो ले सकते हैं। दोनों को स्वाद एक जैसा ही होता है, बस कलर थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे इसी तरह से भीगने के लिए छोड़ देंगे। गुड़ अच्छे से भीगने के बाद अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे एक बार अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे भीगने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमने 1 कप गुड़ लिया। 2 कप हम गेहूँ का आटा लेंगे, 1 टेबल स्पून सौंफ और 2 हरी इलायची लेंगे। आप हरी इलायची पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो हम आटा को रोक देते हैं साइड में और सौंफ को अच्छी तरह से क्रश कर लेते हैं। जैसे अजवाइन हाथों पे क्रश कर लेते हैं, उसका स्वाद निखर के आता है। तो उसी तरह से हम सौंफ को भी हल्का सा दरदर सा कूटेंगे ताकि इसका स्वाद और खुशबू बहुत बढ़िया से आ जाए। तो हरी इलायची डालने से इस गुलगुले का स्वाद और भी बढ़ जाता है। कुछ लोग इसे नहीं डालते, मुझे बहुत पसंद है हरी इलायची, तो मैं इसे डाल लेती हूँ। जब भी मैं कोई स्वीट रेसिपी बनाती हूँ उसमें हरी इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ। तो चलिए, सौंफ अच्छी तरह से दरदर से कूट लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बस हल्का सा कूटा है ताकि सौंफ की खुशबू और भी निखर कर आ जाए। तो चलिए, इसे रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम 2 कप गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक। आप कहेंगे स्वीट डिश से इसमें नमक क्यों डालते हैं, तो नमक डालने से ज़्यादा गुलगुले ज़्यादा स्वीट स्वीट नहीं लगते, तो इसलिए नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे कूटी हुई सौंफ और 2 हरी इलायची, साथ ही कूटा था। अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसे ज़रूर डाल लीजिएगा। इससे गुलगुले अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। कुछ लोग इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, 6-7 घंटे के लिए इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, पर अब क्विक रेसिपी आ चुकी है। बेकिंग सोडा डालने से रेसिपी जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए, गुड़ अभी तक पिघला नहीं है, हमने फिर से इसे 5 मिनट के लिए पिघलने के लिए छोड़ दिया था। गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और इसे छलनी से छान भी लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्सर से इसे मिक्स करेंगे। पानी का हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे और इसे फिर से ऐड करेंगे। इसी तरह से हमें प्रोसेस करनी है 2-3 बार ताकि इसमें ज़्यादा लम्स ना बने और इजीली अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए, हम इसे हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये पूरा मिक्सर में चिपका है, गेहूँ का आटा ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो इस तरह से हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे। जैसे हम पकौड़े बनाते हैं बस उसी तरह से हम इसका घोल बनाना है। अगर आपको ये बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें आप, अगर आपके पास गुड़ का पानी बचा हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से नॉर्मल पानी से भी इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से मसलते हुए अच्छे से इसे फेंटना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। एक्चुअली पकौड़े जैसे हम इसे छोड़ेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखिए, बैटर बिल्कुल तैयार है गुलगुले बनाने के लिए। तो ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। हाथ हम अच्छी तरह से धो लेंगे, हाथ धोने से ये जल्दी से छूट जाते हैं गुलगुले। इस तरह से देखिए, हल्का सा हाथ गीला करना है तो इजीली ये छूट जाते हैं। और इस तरह से आपको जिस तरह से साइज़ पसंद है, छोटी बड़ी, आप उस तरह से इसके गुलगुले बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मीडियम साइज़ के गुलगुले बनाए हैं, एकदम बढ़िया से बन रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ पलट भी रही है, अभी तक मैं डाल ही रही हूँ, तो फ्राई होकर टर्न भी कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम टर्न करेंगे फोक से।
तो इसे एकदम हम ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पकाएंगे। सच में फ्रेंड्स से गुलगुले खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो इसे आप ज़रूर बना कर देखिएगा। देखिए अच्छी तरह से हम इसे एक जैसा फ्राई करना है, तो इस तरह से टर्न करते रहेंगे कहीं ये जले नहीं। सभी साइड से हम एक ही तरह का कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से गोल गोल घुमाने से एक जैसा कलर आ जाता है गुलगुले में। तो चलिए इसका कलर अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकलते हैं एक प्लेट में। तो देखिए कितने गोल मटर हमारे गुलगुले बन चुके हैं, है ना इजी बनाना। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हाथों को हल्का सा गीला करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे हम इसमें बॉल्स छोड़ेंगे यानी कि पकौड़े। इस तरह से हम पकौड़े भी छोड़ते और गुलगुले भी उसी तरह से छोड़ने। तो ये देखिए कितने ज़्यादा गोल बने हैं, तो इसे भी हम ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसका भी एक जैसा कलर आना चाहिए तभी इस रेसिपी को खाने में और देखने में मज़ा आता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके, इसे भी हमने निकाला है। तो फ्रेंड्स आपको ये गुलगुले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको भी ऐसे आगे भी मेरे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट और जालीदार बन चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिए।